सोमवती अमावस्या के दिन भूलकर भी ना करें ये 11 काम। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे की हाजिरी जरूर लगाएं। हिंदू धर्म में अमावस्या का काफ़ी महत्व माना जाता है। वैदिक कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक हिंदू महीने के आखिरी दिन को अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत, पूजा, स्नान और दान आदि का विशेष महत्व माना जाता है। सभी अमावस्या में मौनी अमावस्या, सोमवती अमावस्या का अधिक महत्व माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान के साथ पितृ पूजन भी किया जाता है। इसलिए इस दिन पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन पूजा पाठ के साथ साथ कुछ खास उपाय करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही ग्रह दोष और पितृ दोष आदि से भी छुटकारा मिलता है। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या के दिन क्या काम करने चाहिए और क्या काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सोमवती अमावस्या कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष भाद्रपद मास की अमावस्या 2 सितंबर 2024 सोमवार के दिन पड़ रही है। सोमवार का दिन होने के कारण यह अमावस्या सोमवती अमावस्या होगी। सोमवती अमावस्या पर क्या करना चाहिए? नंबर 1, इस दिन गंगा या पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए इस दिन पवित्र नदियों में स्नान जरूर करें। नंबर 2, इस दिन दान का भी विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए गरीब या ज़रूरतमंदों को ज़रूरत का सामान जरूर दान करें। नंबर 3, सोमवती अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान जरूर करें। नंबर 4, इस दिन पितृ गायत्री मंत्र या अपने पूर्वज को समर्पित अन्न मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। नंबर 5, इस दिन धर्म ग्रंथों विशेषकर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। नंबर 6, इस दिन ज़्यादातर समय धार्मिक कार्य और पूजा पाठ या कीर्तन भजन आदि में बिताना चाहिए। नंबर 7, इस दिन बड़ों का सम्मान करें और सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहें। नंबर 8, इस दिन मंदिरों या धार्मिक स्थान पर जरूर जाना चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन नहीं करने चाहिए ये काम। नंबर 1, सोमवती अमावस्या के दिन मांसाहारी भोजन या शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, इस दिन कुछ खाने की चीज़ जैसे चना, मसूर दाल, सरसों का साग और मूली खाना वर्जित माना जाता है, इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन ये चीज़ न खाएं। नंबर 3, इस दिन किसी भी जीव को न सताए और न ही परेशान करें, विशेष रूप से जानवरों को इस दिन परेशान न करें। नंबर 4, इस दिन किसी का भी अनादर न करें और इस दिन क्रोध करने से बचें। नंबर 5, इस दिन कोई भी शुभ या मांगलिक समारोह जैसे विवाह या सगाई नहीं करनी चाहिए। इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे पितृ दोष लगे। नंबर 6, सोमवती अमावस्या के दिन सुबह देर तक सोते न रह जाए, जल्दी उठे और पूजा पाठ करें। नंबर 7, सोमवती अमावस्या के दिन स्नान का खास महत्व है, इसलिए अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाएँ तो घर पर जरूर स्नान कर ले। स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ देना ना भूले। नंबर 8, अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने से सुफल प्राप्त होता है, लेकिन शनिवार के अलावा अन्य दिन पीपल को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसके लिए पूजा करें,
लेकिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श न करें, इससे धन की हानि होती है। नंबर 9, इस दिन चटाई पर सोना चाहिए तथा शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए, दोपहर में न सोए। नंबर 10, सोमवती अमावस्या के दिन बाल दाढ़ी नेल कटिंग ना करें, इन कामों को भी वर्जित किया गया है। नंबर 11, अगर सोमवती अमावस्या का व्रत है तो श्रृंगार करने से बचे, सादगी अपनाएं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।